जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे बाल इतने ही झड़ चुके हैं। वैसे भी आप देख सकते हो बालों की कंडीशन। टिंग टोंग कुछ नहीं बचा। एक्चुअली मैं मेरी एक व्यूअर हैं जिन्होंने जो ब्लॉग मैंने डाला था उस पर कमेंट किया था कि बाल काटने से रिलेटेड वीडियो बनाना, तो जल्दी ही मैं अपने बालों को काटने वाली हूँ। और बहुत टाइम पहले मैंने अपने बाल काटे थे तो उसकी फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन 6 साल हो चुके हैं इस चीज को। तो बालों पर ही आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि आपकी तो डिलीवरी हो चुकी है, आफ्टर डिलीवरी आपके कितने बाल झड़ रहे हैं। जिस टाइम पे पूछा था उस टाइम पे झड़ नहीं रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं बनाया। अब झड़ रहे हैं तो अब वीडियो बनाई है। सो गाइज, ये जो बाल मैं आपको दिखा रही हूँ ये फेक नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि मैंने मार्केट से उठा के आपको दिखा दिया, रियल है, असली वाले मेरे बाल हैं। देख सकते हो आप, थोड़ा कचरा वचड़ा भी लग गया है। और इस तरीके से बाल रोल करके तो हम जब झड़ते हैं तभी रखते हैं, है ना? आपको पता होगा, घर का एक्सपीरियंस है, फीमेल्स को तो मालूम होता ही है। गाइस, साइड में एक वीडियो मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ। ये वीडियो मैं आपको बिना स्किप किए, बिना काटे हुए मैंने एडिट करते, मैं इसको बहुत ही कम एक हाथ कट लगाया है, बाकी इसको काटा नहीं है। और लाइव रिजल्ट आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ ताकि लास्ट में आपको पता चल सके कि एक्चुअल में मेरा हेयर फॉल कितना हो रहा है डिलीवरी के बाद। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में ये बात समझ में आएगी कि मेरे बाल कितने झड़ रहे हैं। क्योंकि आप लोग बहुत टेंशन में आ जाते हो ना, आपके थोड़े बाल झड़ते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा वीडियो में कि कितना ज्यादा हेयर फॉल मेरा हो रहा है और मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही। प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है बॉडी में, उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। उसकी वजह से आपके बाल स्ट्रॉन्ग, शाइनी और ब्लैक ज्यादा हो जाते हैं। डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन बॉडी में बहुत कम होता है और बॉडी में उसकी जो लिमिट है, जो क्वांटिटी है, वो घट जाती है। इसकी वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। इसके अलावा वीकनेस, ब्लड की कमी, हार्मोनल अनबैलेंस और विटामिन की कमी की वजह से भी बाल झड़ते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये आपके चौथे या तीसरे हफ्ते से लेकर के 6 से 7 महीने तक चल सकता है। तो क्योंकि अभी बेबी 5 महीने का हो चुका है और अब मेरे बाल बुरे तरीके से झड़ना स्टार्ट हो गए हैं। देख सकते हो आपकी कितने बुरे तरीके से बाल झड़ रहे हैं। मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा फास्टली आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने कॉम करके इसलिए दिखाया ताकि मैं लाइव रिजल्ट आपको दिखा सकूं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें क्या है, अभी सर्दी बहुत है तो मैं कोई भी रेमेडी अपने स्कैल्प पे अगर यूज करूं तो ना केवल मेरी तबीयत खराब होगी बल्कि बेबी को सर्दी लग जाएगी। तो कोई भी चीज मैं अभी अप्लाई नहीं कर सकती। एलोवेरा मुझे बहुत सूट करता है, थोड़ी सर्दी कम हो जाए तो मैं वही इस्तेमाल करूंगी। अब यहाँ पे मेरे बाल झड़ने की 2-3 वजह है। एक तो अभी डिलीवरी हुई है इसलिए झड़ रहे हैं। दूसरी, मेरे बालों की जो एज है, देखिए हर चीज का ना एक फिक्स टाइम होता है, सबकी एक उम्र होती है। जैसे हम सभी की है, जो एवरेजन लोग हैं वो 70 to 90 ईयर में लुढ़क लेते हैं, वैसे ही बालों की भी एक एज होती है, 6 साल से लेकर के 3 साल तक। तो 3 से 6 साल के अंतराल में आपके बाल झड़ते हैं। मैंने जब बाल कटवाए थे, ये फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी फोटो है शादी से पहले की, और मेरी शादी को फरवरी में 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो जस्ट शादी से पहले की फोटो है, तब मैंने ये बाल कटवाए थे क्योंकि उस टाइम पे मेरे बाल बुरे तरीके से झड़ गए थे। सो तब से लेके अभी तक नहीं झड़े हैं। सो अब झड़ रहे हैं, तो अभी हालत देख सकते हो आप लोग। तो बालों की जो एज है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मेरे बाल ज्यादा झड़ रहे हैं। और बाकी तो डिलीवरी हुई है, बॉडी में वीकनेस है। अब देखिए, बात अगर डिलीवरी की बात की जाए तो आप बालों के झड़ने को कैसे रोक सकते हो? बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे भृंगराज है, फेनुग्रीक सीड्स है, मेथी के दाने बहुत बेस्ट होते हैं, मैंने वीडियो भी बना रखा है। और इसके अलावा रेगुलरली ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ये चीजें यूज करोगे तो देखिए जो भी यूज करो ना रेगुलर करना। ऐसा मत करना आज यूज कर ली फिर महीने भर बाद याद आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा, और आप फिर रिजल्ट के लिए बोल रहे हो हमको, तो ये तो गलत है ना। आप भी जब बड़े होते हो तो मैच्योर होने में आपको तकरीबन 25 ईयर लगते हैं ना,
बालों को बढ़ने में भी टाइम लगता है भाया, इतनी स्पीड थोड़ी है बालों की कि आपने देखा किसी वीडियो पे थंबनेल लगा है कि 1 घंटे में आपके बाल इतने लंबे हो गए। पागल हो क्या, 1 घंटे में बाल बढ़ते हैं कभी? तो भाई 5-6 महीने साल भर का टाइम तो लगना ही लगना है, तो टेंशन बिल्कुल भी ना ले, बाल बढ़ सकते हैं आपके इन चीजों को रेगुलर यूज करने से। बालों को प्रॉपरली न्यूट्रिशन दीजिए, अच्छे से साफ सफाई कीजिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मेरे बाल इतने झड़ने के बाद भी मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ उसका। साथ ही आपको हेल्दी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छा अच्छा खाना पड़ेगा, फ्रूट्स हैं विटामिन्स वाले और ज्यादातर प्रोटीन वाली चीजें आपको खानी है, इससे आपके बालों की ग्रोथ जल्दी होगी और अच्छी होगी। टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, सबके साथ होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं भी होता है, जरूरी नहीं सबके साथ हो, बट बहुत ज्यादातर लोगों के साथ होता है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बेबी का जो पहला बर्थडे आएगा ना, उससे पहले आपके बाल एकदम बढ़िया हो जाएंगे, ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि डिलीवरी के बाद अपने आप को लेके लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी ब्यूटी बरकरार रहेगी, क्योंकि इस टाइम पे हम फीडिंग कराते हैं और बहुत सारी चीजों का हम ध्यान भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि बेबी की केयर करनी होती है, अपनी भी केयर करनी होती है, तो बालों की थोड़ी सी केयर नहीं हो पाती है। सो टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है, आपके बाल फिर से अच्छे हो सकते हैं। अगर बाल बहुत झड़ रहे हैं तो बालों को कटवा जरूर लीजिए, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। लंबे बालों की केयर करने में बहुत टाइम लगता है, परेशान भी होना पड़ता है, सो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, साथ ही आपके बालों का जो झड़ना है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। सो ध्यान रखिए अपना और अपनों का, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।